हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं करनाल के मानव सेवा संघ में ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। वहीं बैठक में पहुंचे राज्य प्रधान आजाद सिंह मालिक ने कहा है कि हमारी केवल 11 मुख्य मांगे हैं। पिछली सरकार में हमें परिवहन मंत्री समेत सभी को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रोडवेज में परिचालक और चालक का मानदेय काफी कम है, जबकि दोनों की ड्यूटी का समय एक समान है, इसीलिए दोनों का मानदेय एक समान किया जाना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि कुछ चालक और परिचालकों को अभी तक पक्का नहीं किया गया और उन्हें जल्द से जल्द अब पक्का किया जाए। रोडवेज में बसों की कमी को लेकर भी नई बसों की मांग की गई। कुल मिलाकर आज 11 मांगों पर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो वो कोई ठोस फैसला लेंगे। हमारी जो 11 मुख्य मांगे हैं, एक तो सबसे पहले हमारी मांग है परिचालक और चालक। परिचालक के और चालक के पे ग्रेड में काफी अंतर है। हमारी सरकार से मांग है कि जब ड्यूटी दोनों इन टाइम बराबर करते हैं और चालक का और परिचालक के ग्रेड में काफी अंतर है, हमारी सरकार से गुंजारिश है कि चालक के बराबर परिचालक का पेमेंट किया जाए। दूसरी, 1992 से लेके 2002 तक, 2003 से नियुक्ति डेट से पक्के कर दिए, परंतु हमारे कुछ कर्मचारी साथी जो चालक परिचालक हैं, जो कि उनको रेगुलर नहीं किया गया नियमित डेट से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से पेंडिंग है। तीसरी हमारी मांग है कि पेंशन की। प्रताप सिंह जी सम्मानित करें।